इतना डर क्यों गए? मैं तो सिर्फ हल्दी लगा रही थी, कोई कफन नहीं पहना रही थी। ये रही वो जेवरों की लिस्ट जो दीवान साहब ने दिए थे, और साथ में मांग टीका भी है जो इनकी बहन से जबरदस्ती छीन लिया गया था। अगर आप लोगों की बेईमानी की नियत नहीं है तो इन्हें जल्द से जल्द लौटा दें, वरना हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने दिया ही क्या है, जो भी दिया है हम सब लौटा देंगे। वैसे भी भिखारियों की हम कोई चीज नहीं रखते। भिखारी तो खाली हाथ भीख मांगते हैं, मगर आप लोग तो अपने ही बेटे को कटोरी की तरह आगे बढ़ाते हो और भीख मंगवाते हो। दे दे बाबा, बेटे के नाम पे आप लोग तो उन भिखारियों से भी गए गुजरे हैं। लानत है आप सब पर। चलिए वकील साहब। जाते जाते एक बात सुन लो, आज तुम्हारे बाप के मर्डर केस की तारीख है। मैं कोर्ट भी जाऊंगा और वहां से बाइज्जत रिहा भी हो जाऊंगा। आगे के लिए इतना याद रखना, अगर तुम बहनों ने ज्यादा हाथ पैर बाहर निकाले तो दीवान साहब की तरह तुम दोनों को भी खून से नहलाकर दुल्हन बना दूंगा। ये द्वार पे खड़े हैं और इन्हें हमने द्वार छिकाई नहीं दी, इसलिए इतना नाराज हो रहे हैं। लीजिए द्वार छिकाई। पिताजी, आपका हत्यारा बहुत खुश है कि वो आज कोर्ट से रिहा हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने सेल्फ डिफेंस के कानून का सहारा लिया है, मैं भी उसी कानून का सहारा लूंगी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दीवान साहब ने जो कुछ किया और बाद में जो कुछ हुआ वो सब यही हुआ, जज साहब आपने भी तो देखा था, तो अब बोलने के लिए बचा क्या है? जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ। कुछ ऐसी बातें भी कहनी पड़ेगी जो इस अदालत में नहीं हुई थी। हम ठहरे गरीब लोग, हमारे पास न तो दहेज देने के लिए रुपए हैं और न ही वकील की फीस के लिए, इसलिए मैं खुद ही इस केस की पैरवी कर रही हूँ। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। मिस्टर अंकुश, आपको एक वादा करना पड़ेगा कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप उसका जवाब बहुत ही शांति से दीजिएगा। शांति से ही जवाब दूंगा। भड़क मत जाइएगा। जी हरगिज नहीं। सुना है आपकी माँ वैश्या थी? मुंह संभाल के बात कर। आपकी माँ वैश्या थी या नहीं? खबरदार मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला तो साली कमीनी। योर ऑनर, मेरे इतना समझाने के बावजूद कि शांति से जवाब दीजिए, जब मैंने इनसे ये कहा कि इनकी माँ वैश्या थी जो एक सच है, तो ये भड़क उठे। तो बताइए योर ऑनर, मेरे पिता दीवान साहब को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उनको वैश्या का बाप कहा जा रहा था, वो भी इस भरी अदालत में चीख चीख कर सबके सामने। मिस्टर अंकुश, आप रिवॉल्वर अपने पास हमेशा रखते हैं या नहीं? हाँ। योर ऑनर, रिवॉल्वर हमेशा अपने पास अक्सर वो लोग रखा करते हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत होती है या शोहरत। दौलत तो आपके पास है नहीं, क्योंकि चरस पीने के लिए पैसे भी आपको ससुराल वालों से भीख में मांगने पड़ते हैं। अब रही शोहरत की बात, तो इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आधी रात के बाद गली के आवारा कुत्ते आप पर भौंकते जरूर होंगे। आपके पास न तो दौलत है न शोहरत, फिर अपने पास रिवॉल्वर रखने की वजह क्या है? वजह यह है कि आप एक घटिया किस्म के इंसान हैं, आप गुंडे हैं। तू मुझे घटिया इंसान और गुंडा कह रही है? मैंने तो फिर भी कुछ अच्छा कह दिया, आपके ससुराल वाले तो आपको कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपकी सास आपको नामर्द कहती है। उनका कहना है कि जो मर्द अपनी कमाई से अपनी बीवी बच्चों को पाल ना सके वो काहे का मर्द, वो तो नामर्द होता है। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप इस लिहाज से नामर्द नहीं है? You shut up. आप उनके झूठन पर पलते हैं, इसलिए आप उस वफादार कुत्ते की तरह हो गए हैं
जो मालिकों के कुछ कहने से पहले ही भौंकना शुरू कर देगा। बताइए, दीवान साहब ने आपसे कुछ कहा था? नहीं। चौधरी खानदान ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था? नहीं। तो फिर आपने गोली क्यों चलाई? योर ऑनर, जो अपनी जिंदगी अपनी खुशी से झूठन और उतरन के सहारे गुजारता हो, वो हर रात बिकने वाली उन बाजारू औरतों से भी ज्यादा गंदा और घिनौना होता है। बहुत बोली, अब आगे बोली ना तो। बस बस, रहने दीजिए, मुझे मत डराइए। मुझे मालूम है कि दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आप जैसे नामर्द को मर्द बना सके। हरामजादी, मैं तुझे, ये अदालत है, यहाँ किसी को धमकी देना अदालत की मर्यादा के खिलाफ। अदालत की मर्यादा की ऐसी की तैसी, तेरी तो। आइए आइए। निरंजन चौधरी कौन है? मैं। आइए मेरे साथ। मानी पुरानी सासू जी, सही चीज सही जगह पहुंच ही जाती है, कोई कुछ भी करे। नमस्ते सेठ जी, आप अंकुश चौधरी के श्राद्ध में नहीं आए? मैं खूनियों और बदमाशों के श्राद्ध में नहीं जाता। तब तो बहुत अच्छा किया आपने, अब जो होना था वो हो चुका, अब जो होना है वो हो जाना चाहिए। शादी की नई तारीख निकलवा लें? ये शादी अब नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। हमने जो कह दिया वो कह दिया। नहीं सेठ जी, शादी की तैयारी में हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं, ऊपर से जात बिरादरी में नाक कट जाएगी। ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे पंडित के कहने पर हमने तुम्हें गंगा जल समझा था, लेकिन अब पता चला कि तुम गटर का वो गंदा पानी हो जो केमिकल डालने से भी साफ नहीं होता। चले जाओ यहां से। आ जाओ मिलक प्याले प्याले बच्चों। अच्छा अच्छा, पापा भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। रहीम चाचा, रहीम चाचा जी, ये बच्चों को सर आइसक्रीम खिला देने चाहिए, बहुत जिद कर रहे हैं। जाओ बेटे जाओ। चलो सुनिए, आप नाश्ता कर लीजिए, मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, जिसके लिए ये जगह मुनासिब नहीं, हम कहीं और मिलेंगे। देखो, पूरे एक महीने के बाद मेरी बीवी और बच्चे घर लौटे हैं, आज मैं घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। मिस्टर राज, हम दोनों ने यहाँ एक रात गुजारी है, जो शक मेरी ससुराल वालों को हुआ वही शक आपकी पत्नी को भी होगा। अपनी पवित्रता का सबूत न तो मैं दे पाई थी और न आप दे पाएंगे। जिस तरह मेरी दुनिया बर्बाद हुई,
उसी तरह आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप इस बर्बादी से बचना चाहते हैं तो ये रहा मेरा पता।